शिरडी के साईं बाबा के दर्शन और यहाँ पर एक रात स्टे करने के बाद हमने औरंगाबाद का रुख पकड़ा। सिटी ऑफ गेट्स के नाम से प्रसिद्ध इस शहर में ऐतिहासिक विरासत की कोई कमी नहीं है। यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर आज भी भारत का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस वीडियो में हम आपको औरंगाबाद के टॉप 5 अट्रैक्शंस की सैर करवाने वाले हैं। नंबर 5 पे है बीबी का मकबरा। औरंगाबाद सिटी से ये सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या आपको पता है कि यहाँ पर मुगल शासक औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानु बेगम को दफनाया गया है? औरंगजेब ने शायद आगरा के ताजमहल की नकल करनी चाही होगी। इसका कंस्ट्रक्शन 1669 में हुआ था और कहा जाता है कि इसे बनाने का बजट बहुत ही कम था। कंस्ट्रक्शन में लगने वाला मार्बल जयपुर के माइंस से लाया गया था। हो न हो, ये जगह आज भी आने वाले टूरिस्ट को ताजमहल की याद दिलाती है। हमने तो हमारी शाम यहाँ पे फोटोज और सेल्फीज निकालते हुए गुजार दी। यदि आपके पास समय है तो बीबी का मकबरा से केवल 5 मिनट दूर स्थित इस वाटर मिल को आप विजिट कर सकते हैं। पांचक्की के नाम से फेमस इस वाटर मिल का निर्माण 1695 के आसपास हुआ था। सेवनटीन सेंचुरी में स्थापित इस पांचक्की का निर्माण पास के झरने के पानी से एनर्जी जनरेशन के लिए किया गया था। इस एनर्जी का उपयोग मस्जिद में आने वाले पिलग्रिम्स को खाना बनाने के लिए किया जाता था। पांचक्की को मेडिवियल इंडियन आर्किटेक्चर और तत्कालीन साइंटिफिक थॉट प्रोसेस का एक बेहतर नमूना माना जाता है। अगली सुबह वी रीच्ड औरंगाबाद की। एमटीडीसी औरंगाबाद से ये केवल 20 मिनट्स के ड्राइव पर है। कुल मिलाकर ये 12 बुद्धिस्ट केव्स है। सुबह सुबह यहाँ आने का हमारा डिसीशन बढ़िया था क्योंकि हमारे अलावा यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं थे। हम पहाड़ी पर चढ़ाई करते हुए मॉर्निंग वॉक का आनंद ले रहे थे। ऊपर पहुंचने पर औरंगाबाद सिटी का खूबसूरत व्यू दिखाई दिया। इस बुद्धिस्ट चैत्य को तो मैं देखता ही रह गया। कितनी मेहनत से ये रॉक कार्विंग्स किए गए हैं। इस महान आर्टवर्क के सामने मेरे स्कूल का क्राफ्ट वर्क कुछ भी नहीं। इंडियन हिस्ट्री में
अब मेरी दिलचस्पी और बढ़ने लगी थी। नंबर 3 पर हम रखते हैं देवगिरी फोर्ट को। 6th सेंचुरी में बनाया गया ये किला औरंगाबाद सिटी से 18 किलोमीटर दूर है। वैसे ये किला आप एलोरा केव्स जाते समय भी विजिट कर सकते हैं। 9th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक देवगिरी किला यादवा डायनास्टी का कैपिटल हुआ करता था। इस किले ने इतिहास में कई आक्रमण झेले हैं। यादवों के बाद दिल्ली सल्तनत के पास ये किला चला गया। दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपना कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट कर देवगिरी को बना लिया। इसके साथ ही किले का नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद रख दिया। हालांकि इसके 7 साल बाद कैपिटल वापस दिल्ली शिफ्ट कराया गया। दिल्ली सल्तनत के बाद 1499 में दौलताबाद अहमदनगर सल्तनत का हिस्सा बन गया। किले में प्रवेश करते ही भारत माता मंदिर और चांद मीनार के इस खूबसूरत स्तंभ के दर्शन होते हैं। चारों तरफ से किले को हिफाजत प्रदान करने के लिए कई इंतजाम किए गए थे। इन्हीं में से एक है ये अंधेरी गुफा। दुश्मन को चकमा देने का और सैनिकों को अंधेरे में छुपकर मारने का इससे बेहतर तरीका हमें शायद ही अन्य किसी किले में देखने को मिले। बुलबुलैया अंधेरी। किले के ऊपर पहुंचने पर जो नजारा दिखाई पड़ता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कई गज दूर किले का फोर्टिफिकेशन देखकर अपने सुरक्षित होने का एहसास जरूर होता है। इसीलिए आज तक इस किले को कोई भी दुश्मन टेक्निकली जीत नहीं पाया है। दौलताबाद फोर्ट और एलोरा केव्स को आप एक दिन में विजिट कर सकते हैं। फोर्ट से केवल 30 मिनट की दूरी पर ये शानदार एलोरा केव्स आपको प्राचीन भारत के उस दौर में ले जाएंगे जहां शायद ही इतिहास के बनने भी न ले पाए। एंट्री गेट से भीतर आते ही आपका स्वागत करती है ये कैलाश मंदिर की केव नंबर 16। हे
पहली बार इस वास्तुकला का अद्भुत रूप देखकर आपका सर जरूर चकरा जाएगा। इस केव को बनाने में कई सदियां और कई जेनरेशंस गए होंगे। पर्वत को काटकर पत्थर से इन मूर्तियों को बनाना कला के साथ साथ एक दिव्य हुनर की अनुभूति है। वैसे तो एलोरा में 100 से भी ज्यादा केव्स है, लेकिन इनमें से केवल 34 पब्लिक के लिए ओपन है। इनमें से 17 हिंदू, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन केव्स है। इन सभी धर्मों के मोनास्ट्रीज एक साथ देखकर प्राचीन भारत के रिलीजियस हार्मनी के दर्शन जरूर होते हैं। हम एक के बाद एक सारे केव्स के दर्शन कर रहे थे और अपने आप को इनमें खोता हुआ पा रहे थे। मेरी फेवरेट तो केव नंबर 16 है। आपको कौन सी केव सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। पर है अजंता केव्स। अजंता केव्स को विजिट करने के लिए आपको एक पूरा दिन स्पेंड करना होगा। अर्ली मॉर्निंग हमने औरंगाबाद से लॉन्ग ड्राइव किया। लगभग 3 घंटे बाद हम अजंता केव्स पहुंचे। एक्चुअली केव्स तक जाने के लिए आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस कंपलसरी है। अजंता केव्स एक प्रोटेक्टेड साइट है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि हम जुरासिक पार्क जा रहे थे। यहाँ का परिसर बहुत ही साफ सुथरा था। कुल मिलाकर ये 29 केव्स है। ये केव्स कई सालों तक माउंटेन्स में खो गए थे, लगभग 1000 ईयर्स तक। Isn't that amazing? मैं तो सेकेंड स्टैंडर्ड में हूँ, मगर मैंने ये पेंटिंग दीदी के बुक में देखी है। ये है अजंता की मोस्ट फेमस केव पेंटिंग, बोधिसत्व पद्मापनी। सारे केव्स को घूमने के बाद हमने इस रिवर ब्रिज को क्रॉस किया। छोटी सी ट्रैक करके माउंटेन टॉप से एक अमेजिंग वाटरफॉल दिखाई दिया। यहाँ से अजंता केव्स को देखकर हमें बड़ा मजा आ गया।
औरंगाबाद की हमारी जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। हम यहाँ पर स्थित MTDC रिसोर्ट में रुके थे। वीडियो में बताए गए टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस के अलावा आप औरंगाबाद के म्यूजियम में भी अपना समय बिता सकते हैं। होप आपको हमारे साथ औरंगाबाद की यह सैर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।